स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल पुलिस के हाथ में एक बहुत मजबूत टूल रहता है, जिससे कि अपराधियों में भय पैदा होता है, क्योंकि सजा दिलवाई जाती है और उसके लिए बहुत मजबूत तंत्र की व्यवस्था बिहार पुलिस के द्वारा की गई है और उसको समय समय पर रिव्यू पुलिस मुख्यालय के लेवल पर होता है। तो इस बार जो स्पीडी ट्रायल की बात है, वहाँ जनवरी से जुलाई तक जो कुल 3,630 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया है और इसमें जुलाई माह में सबसे ज्यादा सजा दिलवाने में बिहार पुलिस को सफलता मिली है। कुल 646 जो है वह लोगों को सजा मिली है। यह जो आंकड़ा अभी चल रहा है, इस आंकड़े के हिसाब से 6.21% जो है वो स्पीडी ट्रायल के मामलों में वृद्धि जो है उसकी संभावना है, वह वृद्धि होगी। इससे और भी अधिक वृद्धि हो सकती है और यह किस कारण से हो रहा है उस पर मैं हल्का सा प्रकाश डालना आपसे आपके सामने चाहूंगा। वर्ष 2018 में माह जनवरी से जुलाई में कुल 61,280 गवाहों की गवाही करवाई गई, क्योंकि जो कन्विक्शन होता है उसमें गवाहों की गवाही जो है वह एक अहम स्टेज होती है। और जो हमारी स्पीडी ट्रायल के लिए हर जिला में जो यूनिट बनी हुई है, उन यूनिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वह ये है। और माह जुलाई में, क्योंकि हम हमारा जो तंत्र को हमने और मजबूत किया है, केवल माह जुलाई 2018 में 11,795 गवाहों की गवाही हुई है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा इसके अंदर कि जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं उसके बहुत ही सकारात्मक जो परिणाम है वह समाज के ऊपर आएंगे और हम अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर पाएंगे।